और देखिए ये है शैलेश और अजीत पहलवान मधुबनी, यह है अजीत पहलवान जो कि मधुबनी का रहने वाले हैं और ये है शैलेश जो कि इसी नेपाल का है। आप इन दोनों के बीच घमासान कुश्ती आप लोगों को देखने को मिलेंगे, दिल ठान कर बैठ जाइए। और अभी अभी जो हाथ मिलाकर जा रहे वो था और छोटा भीम और इसके बाद होगा रामाशीष पहलवान और छोटा भीम पहलवान के साथ। और ये है अभी शैलेश पहलवान जो कि नेपाल से आए, नेपाल का ही है। और वो है अजीत पहलवान जो कि मधुबनी से चलकर आए हुए हैं। और इन दोनों का समय शैलेश अपने पूरे जोर लगाते हुए अजीत को, लेकिन अजीत चतुर और चालाक पहलवान
शैलेश को अपने ऊपर में हावी नहीं होने दे रहे हैं। देखना है इन दोनों के बीच कौन से पहलवान अपने बाजी मारते हैं। और इन दोनों का जो समय दिया गया था 8 मिनट का, उसमें से सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है। उन 2 मिनट में आप लोगों को अपना कुश्ती करना है। तो देखिए फिर से अजीब हावी शैलेश पर, और शैलेश भी गुस्से के मारे देखिए अपने टक्कर देते हुए अजीब को। देखना है क्या कुछ होते हैं अभी। देखिए 8 मिनट से ही अंगद के तरह शैलेश के ऊपर हावी अजीब पहलवान जो कि मधुबनी का है, और शैलेश पहलवान नेपाल का। हरी थापा, हरी थापा पहलवान। सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ आप लोगों को। हरी थापा नेपाल और गब्बर राजस्थान। आप लोग को जो 2 मिनट टाइम दिए थे आप लोग को बीत चुके हैं। आप लोग अभिनव जंगल पे आने का कष्ट कीजिएगा। हाथी होते हुए शैलेश देखना है अजीत को पराजित कर पाता है या नहीं। अजीत और शैलेश के बीच घमासान कुश्ती। देखिए इतनी देर से शैलेश के ऊपर अजीत हावी हो रहे थे, अब भी शैलेश अजीत के ऊपर हावी हो रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर कोई किसी से कम नहीं। और सिर्फ 30 सेकेंड का बचा हुआ आप लोगों को जो टाइम दिया गया था 8 मिनट का, 30 सेकेंड में आप लोगों को कुश्ती करना है। ओ अरे पापा आइए ना दंगल पर, आइए आइए। क्या थक गया है क्या? दो कुश्ती में थक गया है। आइए तीन कर, तीन कर, तीन कर। देखिए अभी दंगल से नीचे जाते ही मेला समिति का अध्यक्ष संजय यादव जी, जो कि पूरी तरह से अपने निगरानी में उस कुश्ती को करा रहे हैं पूरी तरह से परिश्रम के साथ संजय यादव जी। और देखिए और इन दोनों का जो टाइम दिया गया था वो समाप्त हो गया। दोनों